शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पंडित जी इधर आइए, एक शादी करानी है। किसकी शादी? मेरी और इसकी। तुम कहा? आप ये क्या कह रहे हो? आप घर पर चलो। चुप, तू बीच में मत बोलना ध्रुव। दिस इज नॉट राइट भैया। तुमने मेरे जीजा जी को इसलिए फंसाया ना कि तुम्हें एक अमीर इंसान चाहिए था? मैं उनसे ज्यादा अमीर हूँ। कोई जुबान समझो या ना समझो, फायदे नुकसान की जुबान तो समझती हो ना तुम। तो एक सीधा साधा सौदा करते, घर के दामाद को छोड़ो और घर के बेटे का हाथ थाम लो। वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मैं मेरी बहन की खुशी के लिए, मेरी बहन का घर बचाने के लिए तुम्हें इतनी दौलत दूंगा ना, इतनी दौलत दूंगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी, परेशान हो जाओगी। और वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की तो हिसाब किताब में बहुत तेज होती है ना, नहीं? And I'm sure, तुम इसका भी हिसाब किताब कर लोगी। कर लिया हिसाब, पूरा हिसाब कर लिया। तराजू के एक पल्ले पे तुम्हारी मदद को रखा और दूसरी पे तुम्हारी सोच को, और तुम्हारी घटिया सोच मदद पे भारी पड़ गई। हम नहीं जानते थे कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। जब तुमने कोठे पे लड़कियों की मदद की थी ना, हमें लगा तुम्हारे सीने में भी दिल है। लेकिन नहीं, अगर दिल होता ना तो आज ऐसी बात नहीं करते तुम। अब अगर दो पल भी और यहाँ रुके ना तो हमारा दिमाग फिर जाएगा, गुस्से में तमीज भूल जाएंगे हम, हमारा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। मंडप से दुल्हन का जाना अपशगुन होता है। पंडित जी मंत्र पढ़िए। आपको दिमाग खराब हो गया क्या? बंद कीजिए। मैं कहा ना, चुप रहो। दिमाग फिर गया क्या? मंत्र पढ़िए पंडित जी। पूरे हुए सिंदूर मर्द के लिए सौदा होता होगा, औरत के लिए सौभाग्य होता है। जब सुहागन अपनी मांग में सिंदूर भरती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात गौरी मैया ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। Thank you.
दाढ़ी निकाल। ये आप क्या कर रहे हैं भैया, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? जीजा जी को उनके सच्चे प्यार की असलियत दिखाने, इस लड़की की औकात दिखाने। जिस लड़की पे उन्होंने इतना भरोसा किया, उस लड़की ने उनका भरोसा तोड़ा ही नहीं, सीधे बेच दिया। This is not right. बिल्कुल सही नहीं किया भैया। जब बात मेरी बहन की जिंदगी की हो तो अच्छे बुरे की फिक्र नहीं करता मैं ध्रुव। दी को बचाने के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़ा मैंने किया। और आपकी जिंदगी, आपका क्या, किरण का क्या? फूलक निकालो, हमारी चंपा का ब्याह हुआ है। कैसे? हमारे पास ढोलक है क्या? चंपा रो के रही हो चंपा, ये तो कितनी अच्छी खबर है ना। हम तुम्हें रातों हवेली भेजने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ता खुद चल के हमारे पास आ गया। हाँ। वैसे उससे याद आया, बारात में कौन कौन आया था? दूल्हा शेरवानी पहन के आया था क्या? लड्डू बड्डू बने थे? बताओ ना, ढोली का रंग क्या था? रंबा, अब तुम खुलेआम सबके सामने राठौड़ हवेली जा सकती हो। ये सिंदूर उस हवेली के ऊंचे दरवाजों की चाबी है। सिंदूर कोई खिलौना नहीं होता है दीदी। परसों से सिंदूर बनाते आए, उससे ज्यादा इस सिंदूर का बोल और कोई नहीं जानता। हमसे बिना पूछे हमारी माँ बोलती, बाबू ने सिंदूर को नफरत का बोरा बना दिया। अब हम उस परिवार के किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहुत हो गया, अब हमें उड़ा थोड़ा भी नहीं जाना। नहीं जाना वहाँ पे, नहीं। सिंदूर का मजाक बन गया, अब हम सिंदूर को खेल नहीं बनने देंगे। आप लोगों ने हमें फिर से जिंदा कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हम राठौड़ परिवार के खेल का कोई भी हिस्सा नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते हम। हम ये सब जो कर रहे थे ना, बस अपनी तारा के लिए कर रहे थे, क्योंकि आप लोग उसे जिंदा कर सकते थे, पर अब नहीं। अब आपसे और नहीं हो सकता, हमें माफ कर दीजिए। कैसे बचाओगी तारा को? कोई रास्ता है तुम्हारे पास? अब यही रास्ता है चंपा, तुम राठौड़ हवेली जाओ और विक्रम की पत्नी बनो। अबू की पत्नी नहीं है, अबू की पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं हो तो मिटा दो ये सिंदूर। सुहागन नहीं हो तो सुहाग की निशानी क्यों रखी है? पोछ दो, मिटा दो ये सिंदूर। क्या हुआ? रुको, हम ही पोछ देते हैं। विक्रम, तू जानता तूने क्या किया है?
क्या क्या? आपका भरम उस लड़की का गुरूर तोड़ा है जीजा जी। आपको ऐसा लगता था ना कि वो आपसे प्यार करती है। आप जिसे प्यार समझते थे जीजा जी, वो सौदा था। सौदे में दिल नहीं जीतते, दौलत जीतती है। और आज दौलत जीती है। आपको उस लड़की को हासिल करना था ना जीजा जी, लेकिन अब आप उसे कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि अब तो वो किसी और की बीवी है। और एक मांग में दो नाम के सिंदूर नहीं रहा करते, और उस लड़की की मांग में मेरे नाम का सिंदूर है। तुझे क्या लगता है चंपा सिर्फ दौलत से प्यार करती है? Of course. तो फिर तेरे साथ यहां क्यों नहीं आई? इस हवेली की बहू बनने के बाद यहां की दौलत शौहरत हासिल करने क्यों नहीं आई तेरे साथ? क्योंकि तूने उस लड़की को परखने में गलती कर दी। तूने अपनी जिद में आकर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी विक्रम सिंह राठौड़। रोका है रही है चंपा, जब इस सिंदूर का कोई मतलब ही नहीं है तो मिटा दे। रुक, चंपा नहीं। चंपा चित्र लेखा दीदी नहीं, नहीं। दीदी सिंदूर चाहे किसी भी बहाने से आए, एक बार मांग में आ जाता है ना तो औरत बन जाती है, जैसे तू बन गई है चंपा। तेरा सम्मान तुझे उसकी नहीं होने देगा, और उसका सिंदूर तुझे किसी और की नहीं होने देगा। वही हुआ जो हमेशा से होता है, राठौर परिवार जीतता है। हाँ, बस अपना हथियार बदल लेता है, और इस बार उनका हथियार बना तेरा सिंदूर। वो जानते थे कि तेरे लिए सिंदूर की कीमत क्या है, इसीलिए उन्होंने तुझे सिंदूर रेखा में बांध दिया। ये परिवार ऐसा ही है चंपा, हमें कालवृक्ष से बांध दिया, तुझे सिंदूर से बांध दिया, और तेरी बहन तारा को तो मार ही डाला। लेकिन उसे वापस लाने का एक तरीका है, और उसके लिए तुझे राठौर हवेली जाना पड़ेगा। सिंदूर को हथियार बनाकर इस्तेमाल तो उन्होंने कर लिया, अब तेरी बारी है चंपा। तू देवी मां के मंदिर गई थी ना, तूने उनसे रास्ता मांगा था ना, ले दिखा दिया उन्होंने तुझे रास्ता, लेकिन अब इस पर तुझे चलना होगा। आज तक दुनिया ने सिंदूर का समर्पण देखा है, अब सिंदूर की शक्ति देखेगी। कजरा लगाए मधु, प्यारी सी महके मधु, सच सबर के यू। माधुरी। हाँ माँ। तू दूसरा ब्याह कर रही है? नहीं अम्मा, हम दूसरा ब्याह क्यों करेंगे? फिर इतना सच सबर कर किसके लिए झूम रही है? अब क्या है ना अम्मा, आपको तो पता ही है, अब हमको सजने सबरने का शौक तो है नहीं, लेकिन वो जो लड़की आ रही है ना, वो क्या नाम है उसका, किरण। हाँ हाँ किरण, वो कहीं ये ना कह दे कि हाय चाची कितनी सिंपल लग रही हो। यहाँ जितना बड़ा अनर्थ होते होते बचा है, वहाँ शिवानी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, और तुझे
श्रृंगार सूझ रहा है? जा, जाकर मुंह धोकर आ। हैं? रुकिए चाची। दादी, घर में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। दी को एक उदास घर की नहीं, बल्कि हंसते खेलते परिवार की जरूरत है। लेकिन भाई, अगर शिवानी दी ने फिर से ऐसा कुछ किया तो? नहीं, आज के बाद दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज के बाद दी हमेशा खुश रहेंगी। विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर घर मुस्कुराएगा तभी तो शिवानी मुस्कुरा पाएगी। ठीक है, किरण आ रही है, हम सब उसके आने की तैयारियां करते हैं। अम्मा जी, हमको मुंह तो नहीं धुलना ना? तुम जाकर खाना बनाओ। नहीं नहीं, हम खाना तो बना देंगे, लेकिन जाओ। हर बात पर माँ से बहस करती हो, जो करना है करो, नहाना है, मुंह हाथ धोना है, खाना है, जो भी करना है करो, जाओ यहाँ से। ना आएंगे क्यों, हमने मेकअप कर लिया है, गुस्सा मत हुआ करो, बीपी लो हो जाएगा। कूल। हम तब तक जाकर आरती की तैयारी शुरू करते हैं। और मैं भी जाके फूलों से घर से जाती हूँ। हम मैं भी रंगोली बना लेती हूँ। आज इस घर में रक्षिणी आ रही है, अब तुम मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अरे विक्रम भैया, ये फूल जरा पास कर देना ना। ये? हाँ, ये वाले। भैया, ये आपके हाथ में सिंदूर कैसे लगा? देवर जी, किरण के आने से पहले ही सिंदूर लगाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी क्या? चल जल्दी कर तू। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। आपको पता भी आपने क्या किया? आपको पता है? Do you even realize कि आपसे कितनी बड़ी गलती हुई है? True.
मैं किरण से कुछ नहीं छुपाऊंगा। किरण, मैं चंपा की बात कर रहा हूँ, चंपा की। आप भी ना, माना अक्षय जीजू गलत है, लेकिन अक्षय जीजू की बात गलत नहीं है भैया। आपने उससे जबरदस्ती शादी कर ली, लेकिन क्या उसने आपसे कुछ भी मांगा? नहीं। क्या वो आपके साथ चल के घर पे आई? नहीं। हो सकता है ना भैया कि इस बार आप गलत हो सकता है ना कि आपने उसको समझने में कुछ भूल कर दी हो। किरण भाभी आ गए। मेरे बेटे की रक्षिणी आ गई। मत कहती हो ना मेरे बिना परमिशन मेरे घर के अंदर घुसने की। जैसे आपके बिना इजाजत हमारी जिंदगी में आने की हिम्मत हुई, हमसे शादी करने की हिम्मत हुई, हमारी मांग में से दूर बढ़ने की हिम्मत हुई, हमसे फेरे लेने की हिम्मत हुई। अगर इतना सब कुछ कर ही दिए तो एक रस्म तो हम भी करेंगे ना बाबू। कौन सी रस्म? नहीं तो लगा प्रवेश।